कुछ रुंड बिना कुछ मुंड बिना बारात सजाए नहीं ओ नाने कत रुंड है बिना कुछ हल्दी चढ़वाने के बदले तन भस्म रमाइले भोला ने कचरंड बिना कुछ मुंड बिना बारा सजाइले भोला ने। भोले बाबा दूल्हा बन रहे हैं तो भोले बाबा ने एक नाग था बासुक उसको लिया और अपनी कलाई में इतना टाइट वो कंगन बांध लिया नाग का जो उसके आंखों से दो आंसुओं के बूंद निकले जिससे दो लड़कियों का जन्म हुआ सुनैना और सुलोचना। सुनैना जो थी वो जनक को ब्याही गई, सुलोचना जो थी जो दसकंदर के पुत्र मेघनाथ को ब्याही गई। ये दोनों साडू साडू थे परीक्षित जी। एक गाना भी चला था श्री जनक लली लक्ष्मण की बहन बोलो भौजाई, ये गाना बहुत चला था हिट हुआ पहले। इधर बताया गया है यानी कि सुनैना बोली है जनक से प्रभु कोई उपाय करो क्यों ये जीव जंतु मर रहे हैं हरियाली कहीं नजर नहीं आ रही है कोई ऐसा उपाय करो जिसके द्वारा बारिश हो। अब परीक्षित जी सुनैना के कहने पर महाराज जनक ने ज्योतिषियों को बुलाया ऋषियों को बुलाया और कहा कोई ऐसा उपाय करो जिसके द्वारा बारिश हो। सभी ज्योतिषी लोग कहने लगे देखो तुम तुम्हारी रानी एक सोने का हल बनवाओ तुम तुम्हारी रानी नगिन होकर के चलाओ तो बारिश हो सकती है। अब सुनैना और महाराज जनक ने जब वो हल चलाया तो जमीन से एक लड़की निकली उस लड़की को महलों में लाया गया। जब उस लड़की को महलों में लाया गया उस लड़की का नाम सीता रख दिया क्योंकि परीक्षित जी पुराने जमाने में हर की फारी को सीता कहते थे ये सुख सागर में लिखा है। तो उस लड़की का नाम सीता रख दिया। धीरे धीरे सीता बड़ी होने लगी। एक दिन सुनैना कहीं चली गई थी तो इस कारण से सीता मैया अपने घर की जारा बुआरी कर रही है। किस तरह से किसी जाना की दुलारी सीता ने परी बचपन में कौतक की दिखी लाओ शंकर जी का माधन संगे कई हाथ से उठा लिए एक दिन परीक्षित जी सीता ने बहुत बड़ा कौतक कर दिया। कौतक क्या जो जनक के महलों में एक धनुष रखा था जिसमें सैकड़ों वीर लग जाते थे लेकिन वो धनुष किसी के हिलाने से नहीं हिलता था। सीता ने एक हाथ से उठाए के दूसरी जगह पे रख दो झाड़ू लगा दो
जनक ने देखा, दरबारी में तुरंत पहुंच करके सबको यही वचन सुनायो है। इधर श्री सुखदेव जी बोले हैं कि हे उत्तरानंद महाराज परीक्षित, एक दिन सीता ने बहुत बड़ा कौतक कर दिया। कौतक क्या कर दिया परीक्षित जी? दो ददीज की बिना की हड्डियों का बना धनुष था। विनाग जानते हो परीक्षित जी कौन सी हड्डी को कहते हैं? रीढ़ की हड्डी को। विनाग की हड्डी का बना हुआ धनुष था जो सीता ने एक यहां से उठा लिया। क्यों? जिसमें सैकड़ों वीर पुरुष लग जाते थे लेकिन वो धनुष को कोई हिला भी नहीं सकता था। सीता जी ने एक हाथ से उठा करके दूसरी जगह रख दिया, उसके नीचे झाड़ू लगा दिया। विपन भैया मेरी आवाज सुन रहे हो तो व्यासपीठ के पास में आ जाए विपन भैया। अब महाराज जनक जी ने देखा तो ऐसा ही नहीं है। दरबार में पहुंचे, खत में, चिट्ठी में, हर जगह एक ही बात लिखी। जिस महावीर की महाशक्ति वो धनवा तोड़ी गिराएगी, शिविर को जाति बात जानती धनुष टूटेगा, मैं अपनी बेटा यानी कि अपनी बेटी का रिश्ता उसी के साथ में जोड़ देंगे। अब वो खत देश विदेश भेजवाए जाने लगे परीक्षित जी, देश विदेश के राजा आने जाने लगे। कैसे? कि पाते ही खबर स्वयंवरी की, श्री जनक राज के चले। Let's go.
पक्षी नजर नया